होटल से निकलते हुए हम यहाँ सोमनाथ के लिए द्वारकाधीश से, ये रूम था, शानदार रूम। भाई चढ़ थे आज हैं, आज अंकल जी को अंदर ही रख दिया था। तो भाभी जी जो है अभी जा रहे हैं होटल से। अच्छा नचा रहे आ चार दिन समुद्र में, ठीक है वो ठीक है ना, ना हुआ ताजा कोई है। सुना भाभी जी, तो भाभी जी कैसा लगा आज तक का? बिल्कुल चार पांच दिन कैसे रहे? बिल्कुल बढ़िया। रूम अच्छा था आपका? कोई कमी भी? खाने पीने के लिए हमारी भाभी और हम जो है बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई चिंता ना करें। दादी बिल्कुल ठीक है क्या दादी? क्या कोई कमी पेशी किलो वजन बढ़ गया तुम्हारा? फिट ठीक है जी। चलो 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 आज मौसा होगा। हाँ हाँ बस 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 ठीक है। चलो 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 राम 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 जय जवान जी दादी राम राम। ये रूम था दोस्तों, कुछ लोगों की रहती है कि ब्लॉग में नहीं आए, क्योंकि ब्लॉग में वही लोग आ सकते हैं जो थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट में दिखनी पड़ती है, उस मैनेजमेंट चक्कर में मैं नहीं बता पाता। तो ये रूम था, ये रूम मिला था हमारे यात्रियों को, 1500 से 2000 तक यहाँ रूम मिलता है, और 500 और 1000 जैसा जैसे हिमाचल में मिलता वैसे नहीं, यहाँ नहीं है फैसिलिटी, लेकिन यहाँ एसी रूम होते हैं। ये है दोस्तों रूम। हम जा रहे हैं यहाँ से द्वारका से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर, तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। जिन लोगों को कई बार होता है घर वाले बोलते हैं कि ब्लॉग में नहीं आए, तो मुझे ज़रूर कॉल या मैसेज करें कि भाई हमारे ये लोग, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन कई बार आगे पीछे चलने से जो है वो रूटीन नहीं बन पाती, तो आप ज़रूर बताएं कि ब्लॉग में ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर उन लोगों को ब्लॉग में लाऊंगा। कमेंट करेंगे तभी लगेगा पता कि कौन से लोग जो है मेरे ब्लॉग से वंचित रह रहे हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें तभी इस चीज़ का पता चल सकता है। महादेव जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों चलते हैं बाहर, किसी और कोई और मिलता तो उसको भी बातचीत कराएंगे, क्योंकि एक मैसेज रहता घर वालों को कि हमारे घर वाले कैसे हैं लाइव। महादेव ठीक है, नहीं तो भाइयों बुरा हाल हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर नीचे चल क्या देख सकता है। महादेव अपने द्वारका वाले दोस्त की दुकान, हमारे उनके पापा जी बैठे हैं अभी, उनको राम राम दोस्त। आपके पापा जी को हमारी तरफ से नमस्कार। आप ऐसा मत समझना कि हमने आपको याद नहीं किया, सुबह जा जाते ये होटल हमारा जहाँ रुके थे के साथ द्वारका के, हम जो है बाइक पे एंजॉय कर रहे हैं। महादेव पकड़ो तो देखिए है द्वारका पुलिस नाम का ये जुड़े रही हमारे साथ, मेरे दोस्त मेरे अजीज मित्र के साथ यहाँ का सुंदर नजारा। ये हमारे इस ब्लॉग में आपको देखेंगे गलिया द्वारका की, हमारे पर हम पान बना रहे हैं अंकल जी हमारे अजीज मित्र, बहुत ही अच्छा इनका आदर मान सम्मान रहा हमारे लिए। लड्डू भाई और मैं चाय पियेंगे। तो द्वारकाधीश में होटल के सामने मेरे जो दोस्त हैं उनकी दुकान है ये, उनके पिताजी पान बना रहे हैं हमारे लिए और चाय भी आ रही है, और हमारा दोस्त आ चुका है, ये दोस्त हमारा आ चुका है जिसकी बाइक पर हम घूम रहे थे, और मैंने इनको निमंत्रण दिया हिमाचल आने को, देखते हैं आते कि नहीं आते हैं। जब आएंगे तो पूरा हिमाचल मैं घुमाऊंगा इनको, पर झूठ मत बोलना आना पड़ेगा, बर्फ के बीच घुमाऊंगा। ठीक है देखा ना किचन कल दिखाया था तुमने, और पूरा साल गर्म रहता वहाँ, ठंडा रहता है ना? गर्म गर्म हाँ ठंडा रहता, लेकिन जो आग होती ना चूल्हे वहाँ वो पूरा साल। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरे मित्र उनके पिताजी और हमारे लड्डू भैया महादेव। महादेव दोस्तों ठीक हो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं यहाँ से, कभी द्वारकाधीश आए तो यहाँ पर जरूर मिले, इस दुकान पे जरूर जाएं। जाए तो अभी हाँ हाँ बदलने का है कपड़े का है। अच्छा ये होटल जहाँ रुके थे, जय द्वारकाधीश जय द्वारका। ट्रिपलिंग सवारी, मैं मोटा बहुत हूँ।
जय द्वारकाधीश। दोस्तों हम जा रहे हैं द्वारकापुरी से वापस और हमारे मित्र जा रहे हैं हमें छोड़ने के बाइक पे। ऐसे मित्र हमें कहीं नहीं मिल सकते। बहुत ही आनंदित करने वाला ये पल। क्यों लड्डू भाई, ऐसे कौन होता है ना। बहुत मैंने बहुत प्यार दिया इन्होंने, बहुत 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 इज्जत मान सम्मान किया हमारा। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के। हमारे भाई जी अभी हमें बस में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखो अभी बस में चढ़ाने के लिए अपनी बाइक पर दूसरा चक्कर करते हैं। टाइम निकाल के ये दुकान करते हैं इधर। बहुत बढ़िया काम है इनका। जब भी द्वारकापुरी आए तो हमारे लोग बहुत सारे आते रहते हैं, दिन से ज़रूर मिले। और इनका नाम है रवि, यही है इनका नाम, रवि वैगड़। मंदिर के पास इनकी दुकान है। मंदिर के साथ सबसे अच्छी बात यह है, बदलने कहा लेकिन कोई बदला नहीं है। कोई आएगा तो नंबर दे दूंगा मैं कि बदले कहाँ है। ये गुड गुड। ये मंदिर सामने बिल्कुल, और ये पार्किंग के लिए हमारी बस खड़ी हुआ जा रही है। मंदिर का सुंदर नज़ारा और ये बहुत सारे लोग, बहुत सारा क्राउड रहता है पूरा साल यहाँ। बहुत ही आवाज़ जो है ज़बरदस्त चलती है यहाँ पर। ठंडी तो हमारे हिमाचल में होता है, यहाँ बिल्कुल ठंड है, कुछ नहीं अभी कुछ भी नहीं है। ये तो उसके सामने समुद्र का किनारा, ये समुद्र का किनारा का है और ये टापू टाइप बरका इस बीच में। सामने नहीं गए थे, पूरी तो बंद था ना इसलिए, अब टाइम कम था ना इसलिए जा नहीं पा रहे। जी जी कीमत है ना आपकी। हमारे अनमोल भैया, ये हमारे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ, बस यही बस है, यही है, ये हमारा बस है। ये हमारा दोस्त जा रहा है वापस सोमनाथ की ओर। साडे सरदार जी, वीर जी साडे। मूल द्वार का एक हो जा रहा है। ये मूल द्वार, जो मूल द्वार का तीर्थ धाम है, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ आज का दिन और आज का व्लॉग। कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर एक क्षण दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस आज के इस नए दिन, नए व्लॉग में और नए स्थान पर आप सबका स्वागत है। तो मैं तो ठीक हूँ, आप भी बताएं कैसे हैं। जो हमारे साथ लोग हैं सब मस्ती में हैं, आनंद में हैं। अपना जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें दोस्तों, तभी आपको जो आनंद आएगा। ला ला
बांध के नाचे विष्णु नाचे मां नाचे विष्णु नाचे कैलाश में नाचे बांध के नाचे रू बांध के पाँव नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु रबाई नाचे बंगरू बांध के बंगरू बांध के राधे 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 जय हो श्री राधे श्री राधे जय हो
श्री राधे। रखा जी के दर्शन भी है, देख लीजिए दोस्तों। वीडियो बनाना बना है तो यहाँ पर भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि बना है तो क्यों बनाएंगे, लेकिन ये है मूल द्वारका जी महेश जी के दर्शन आप सबके लिए। तो बाहर का थोड़ा सा दिखाएंगे वो कैसे कैसे यहाँ स्थल है, बहुत ही आध्यात्मिकता भरा यहाँ स्थान, बहुत ही सुंदर स्थल है, दिव्य स्थल है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ महादेव। ला 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 बांध के नाचे विष्णु नाचे मा नाचे विष्णु नाचे कैलाश में नाचे बांध के नाचे रू बांध के पाँव नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु रबाई नाचे रू बांध के
घुंघरू बांध के राधे 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 जय हो श्री राधे श्री राधे। राधे साडा स्टाफ हैगा और 10 रुपए देते हैं ना ये संडे अबोटी जी मदन भाई जी साढ़े दो प्यारे अनमोल रतन
आपने मेरे को 410 दिए थे ना, तो 15 7 105 हुआ था, 7 थे ना, तो ये 5 आ गया, 7 हुआ ना। मूल द्वारका से हम जो है वापस जा रहे हैं आगे की और पोरबंदर की तरफ। हमारी बस तैयार है चढ़ने के लिए। महादेव महादेव 2x2 AC बस, फुल पुश बैक, बहुत ही सुंदर। एक में हो चलो भाई चलो, बोले द्वारकाधीश महाराज की जय, बोले सनातन धर्म की जय। तेरी फोटो नहीं आएगी। यात्रा का ये हमारी दादी माँ को चार चार आंखों से देख रही है। ये हमारी बुआ जी बिल्कुल आनंदित। जाओ जाओ, बहुत है आज, लूट लो लूट लो। है वहां देख यार, नहीं घर है पड़ो है ना, गारा कौन हो गया से। ये हमारा गाड़ी है, इसमें चढ़ेंगे वापस। चलो भाई चलो, आज आर्त माता मंदिर हम जा रहे हैं समझे, हम तो चलो रहे हमारी इस ब्लॉग में। चलो भाई चलो 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 चलो, भारत मंदिर की ओर जाते हुए। भारत माता का जो मंदिर है, ये भारत मंदिर है, भारत मंदिर है। चलिए चलिए, हेलो हेलो गाइस, चलो चलो चलो, फॉलो मी गाइस। बहुत ही सुंदर ये दिव्य स्थल तपोस्थल दोस्तों, सच में जो इन तीर्थ स्थलों की जो व्याख्यान है शब्दों में इनको पिरोना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा परम सानिध्य और परम प्रकाष्ठा वाले व्यक्तित्व जो है बहुत कम लोग। यहाँ पे अंदर का दृश्य कैसा है, सुंदर सा दृश्य। मैं और लड्डू भाई जो है अभी दिखाएंगे आप सबको। जय गुरुमुख वचन प्रतीति कर, हर्ष शोक बिसराय, दया क्षमा सतशील रही, अमर लोक को जाए। बहुत ही बढ़िया। तुलसी या संसार में सब सो मिलाए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, नारायण किसी वेश में मिल सकते हैं विष्णु भगवान। गिरजा संत समागम सम ना लाभ अछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गहनी वेद पुराण। बहुत ही बढ़िया चुपाइयों, यहाँ लिखी चुपाइयाँ आपको दिखाता मैं।
जो चेतन कहे जड़ कर ही, जड़ ही करही चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ कहीं भज ही जीव ते धन्य। वाह बहुत ही सुंदर। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कर्म प्रधान विश्र चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। वाह धर्म सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कर्म प्रधान विश्र चिराखा, विश्र चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जातिहीन अग जन्म महिमुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चह से ऐसे प्रभु बसाए। बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं कलाकृतियाँ यहाँ पर। ऑटो का सफर बाबिया लल्ला क्या करता था लो भाई। चलो 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 अंदर अंदर अंदर। बहुत ही सुंदर पोरबंदर के स्थान में आपको दिखाएंगे ऐसे स्थान। अब तो यही बात हो गई चौड़ाई देश विदेश में जैसे होते हैं वैसे चौड़ाई पूरे देश में। चलो भाई चलो 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 चलो। चलो 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 आराम से आराम से आराम से। जय हो। बहुत ही सुंदर स्थान ताजगी भरा आनंदित करने वाला महादेव। दोस्तों तो आप सब कुशल मंगल होंगे अपने स्थान पे। तो आज हम पहुँचे हैं गुजरात के इस सुंदर से स्थान में, आपको दिखा रहे हैं पूरा ये भारत भ्रमण जो है हमारा। हम निकले हैं पूरे एक महीने के लिए इस पूरे देश की यात्रा के लिए। तो जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ दिखा रहे हैं आपको सुंदर और पवित्र स्थान। तो जुड़े रहे हमारे साथ और जो भी लोग आए हैं उनके जो फैमिली वाले देख रहे हैं। तो कोई भी मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई आ नहीं रहा ब्लॉग में तो ज़रूर कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो, क्योंकि कई बार आगे पीछे हो जाते हैं लोग सभी। तो महादेव चलो भाई चलो 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 जी चलो चलो दादी जी मामा 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 दादी नहीं दादी जी। अभी मुझे लोग मिले थे कल, हम एटीएम से पैसे निकाल रहे थे वहाँ पर, यूपी से अंकल जी थे और भैया थे एक। तो मैंने सोचा कि उनको देखा कहीं तो, लेकिन वो भी देख रहे थे मेरी ओर और उनके लड़के ने मुझे पहचान लिया। तो बड़ा तो अच्छा लगता है जब हम बाहर किसी से मिलते हैं और दोबारा से अचानक दूसरी तीसरी बार अचानक मिलना हो जाए तो बड़ा ही आनंददायक पल होता है। तो दोस्तों जय शंकर महादेव। श्री सुदामा चौरासी परिक्रमा, सुदामा चौरासी परिक्रमा ये लोग कर रहे हैं, देखते रहिए। जय श्री कृष्ण। सुदामा चौरासी परिक्रमा ऐसा लेना दिया सुंदर अद्भुत नज़ारा इन मंदिरों में, सच में अतुलनीय है ये स्थल, जिनकी कल्पना आदमी नहीं कर सकता। बाद में और आंटी भी साथ में है गपशप मारने के लिए। तो आंटी बताओ कैसे हैं? ठीक है दीदी, बोल रहे हैं उन्हें कि आप लोग में नहीं आ रहे हैं। तो बताओ दीदी कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। हाँ चिंता मत करना बच्चा, चिंता नहीं करो। आए ठीक है पूरे मौज में। अगला साल भी
ये हमारी दूसरी माता जी पहुंच चुके हैं। और माता जी ठीक है, कैसा लग रहा है? कोई मैसेज बहू रानी को बोल दो, बोल दो आंटी आप बता दो कुछ, कोई मैसेज घर को? आओगे घर वाले देखते नहीं वीडियो जो है, कमेंट आता है, बताओ कुछ ना कहो कैसे हैं? ठीक ठाक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। मुकेश भाई को बोल दो कुछ, क्या है मुकेश भाई? बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या बोलो? मैं ठीक हूँ। भाभी को चिंता मत करना, आ रहे खाने हम चार दिन बैठेंगे। जो है वीडियोग्राफी फोटोज मना है, लेकिन पता नहीं क्यों मना है, मुझे समझ नहीं आता, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे हम, जो भी है ठीक है, हम तो रूल को फॉलो करने वाले हैं। जय सुधा, महादेव महादेव महादेव, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, जय हो। दोस्तों हमारे साथ जो भी आए हैं हमारे यजमान, देखे कितना आनंद में है, ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई निर्देश है? ठीक लग तो है ना आओ साल में। ओहो राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम ठीक है ना? तू दस खा रहे ना, चुस्त ना, रोटी छोटी रज के सच बोलो, जय हो। आप बाहर खा रहे गाए ना, आप बाहर खा रहे गाए आप कहा, आप तो घर जाके उससे डबल मो मामा जी बोलो फिर। बहुत खुश है सुदामा के घर में पहुंच गई है, अब क्या कमी है ना? कोई कमी नहीं है। श्री राधे राधे। और भाई सुना, तू सुना ठीक है? चुस्त क्या नवा ताजा, तू है उठते घूमे है एवं नरक धरक सारो मुखी क्यों है? ओ बल्ले है अना बस हो रहे बने रख चक्कर लाने दे बस। ए भाई साहब हमारे दीपू कंप्लेंट करा, दीपू कंप्लेंट ना करे, सबसे ज्यादा फोटो जो है भाई साहब की हमारे पास। और भाभी की याद आ रही तो बात अलग है, सुंदर और दिव्य स्थल यहाँ पर, चाय की व्यवस्था हमारी है। चाचा जी जो है हमारे साथ हैं, चाचा जी कैसा लग रहा है? बढ़िया है, देखो बड़े सौभाग्य की बात है हमारे साथ हमारे पूजनीय सम्माननीय आदर योग्य हमारे साथ चाचा जी साथ में है, तो हम जो इस यात्रा को बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत ही खुशी, बिल्कुल बिल्कुल। काशी के चक्कर से छूटना चाहते हैं यहाँ पर, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ, और आज तक की यात्रा कैसी रही आपकी? मेरी आज तक की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत इंजॉय किया। ओके, स्पेशली द्वारिका में ओ बहुत मजा आया। कैसे हो, कैसा लग रहा है? मुँह से बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा, इतना इतना वाह, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं महादेव टीम, चलिए हमारे ऑटो वाले हेड ऑफ डिपार्टमेंट 10-41 भाई, चलो भाई साहब चलो चलो चलो। सुदेश भाया टेंशन में लेता अम्मा ठीक है, सुदेश से तो बचाते। हां भला किस बणो, मैं विचार लेता ना, ना भला बन लेता चल, अबे भला कौन है सुदेश है? खुद कहा था
पूछ ले कोई हाल चाल टन शिमे ले रसो देश साहब आया बस 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 सबने बड़े गल सनेरा रोज फोन का ना कोई टेंशन नहीं माई से राज्य रोटी खाए हाँ सब्जी ज्यादा दिखाए जो घट सुट है तो फर्स्ट ना वो पता तो ठीक है भाया महादेव तनिक गुम हो गया था कहीं और चला गया था ए तुम वहाँ बैठा रहा यहाँ क्यों आ गया अरे इधर खड़ा करा वहाँ नहीं पार्किंग था यार ऑटो में हम जो है अभी भूल चुके थे रास्ता लेकिन हम मिल चुके हैं ए साडी दादी भूल गई भाई कितने जान दी भाई इतने साडा ऑटो उतने का तुसी इतने की कर दे पे चलो भाई चलो 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 नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बहुत ही सुंदर सुंदर का दृश्य बहुत ही बढ़िया हमारे उस्ताद जी जिनकी नज़र आगे नहीं रहती है बिल्कुल बिल्कुल चलो 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 दोस्तों हम पहुंच गए पोरबंदर के समुंदर के किनारे बहुत ही सुंदर सा दृश्य है अद्भुत नज़ारा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सुंदर से ब्लॉग में महादेव 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 ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जल ही जल ये हमारी टीम पीछे आ रही है समुंदर की लहरें के बीचों बीच अंटी हमारी बहुत ही सुंदर अंकल जी क्या बात है, क्या है? बहुत अच्छा कोई शब्दों में नहीं बोल सकता ना है? तो हमने तो घर तक भी दिखा दिया बच्चों को वाह बहुत बढ़िया ये वीडियो पहुंच जाएगी महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बहुत बढ़िया है अच्छा। समुद्र को शब्दों में पिरोना नामुमकिन है जी मामी जी समुद्र है ना ये समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता ओके है हाँ जी बताओ बस बस क्या बात है बाला बड़ी खेड़ा बोले बड़ी खेड़ा ए बाले जाना भाई कहाँ आ गया समुद्र महादेव तो समुद्र के बीचों बीच मैं और दादी कैसा लग रहा है है? आगे वाला ऑटो हमारे जहाँ पर हमारे भाई साहब चले हैं महादेव भूल गया ऑटो बदल के भैया जय हो महात्मा गांधी की हमारे
महात्मा गांधी के ही सभी जो स्मृतियाँ यहाँ पर रखी गई संग्रहालय से लेकर सब कुछ। जय हो। पूजनीय महात्मा गांधी जी पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी जी के इस घर में और ये घर है हमारे हमारे चुनाव में जो चले भारत ऊपर का नजारा दिखाते हैं ऊपर कैसा है। ऊपर सीढ़ियां सच में हमारी जो संस्कृति थी इतनी समृद्ध थी कि इस संस्कृति के सामने टिक पाना किसी देश के लिए नामुमकिन था। इतने सुंदर सुंदर स्थान इसमें जैसा होता हमारे वैसा ही है। और ऊपर कितनी सुंदर कलाकृति हमारे साथ ही जो है नीचे बैठे हुए देखिए देखिए कितना सुंदर सा अलौकिक सा ये स्थान है। बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट होती है उस टाइम में हर एक काम की हर एक वस्तु की। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से हमें। जय हो। जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असनारी महामंद मन सुख चह से ऐसे प्रभु बसाए। तो हम जो है सोमनाथ मंदिर में पहुंचने वाले हैं महादेव की कृपा से उस पर बने रहे द्वादश ज्योतिर्लिंग में से जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहां पर पहुंचने वाले हैं इस पावन गुजरात की धरती पर। गर्मी का एहसास हो रहा है जैकेट खोल दिए क्योंकि यहाँ गर्मी है और ये जनवरी का महीना है और गर्मी है तो घर में सोच कर लोग हैरान होंगे कि हम टी शर्ट में क्यों हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। महादेव दोस्तों तो जुड़े रहे हमारे साथ और आज कीजिए सोमनाथ के दर्शन हर हर महादेव।